नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे अपने आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग बायोलॉजी में चैप्टर पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसी क्रम में आज हम आगे पढ़ेंगे कि जो उसके टाइप्स थे एसेक्सुअल और सेक्सुअल, उसी का डिटेल। तो हम जो पहला टॉपिक आपका आज के दिन है वो ये है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, कैसे होता है और उसमें क्या और चीज़ें हैं या क्या मेथड्स हैं जिनका कि उपयोग किया जाता है रिप्रोडक्शन के दौरान ऑर्गेनिज्म के लिए या ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने दो टाइप्स पढ़ा था, एक पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि यहाँ गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है और एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकता है। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने यह पढ़ा था कि गैमीट फॉर्मेशन होता है और दो इंडिविजुअल की ज़रूरत होती है एज अ पेरेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो चलिए आगे इसी क्रम में देखते हैं। उस क्रम में पहला जो था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर हम डिटेल में जाएंगे तो देखेंगे कि एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वह सिंगल पेरेंट्स के द्वारा पॉसिबल होता है। सिंगल पेरेंट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट, जो इसमें बॉडी बनती है यानी बेबीज बनते हैं, ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, वो एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं अपने पेरेंट्स के, एकदम हूबहू कॉपी बनकर के ही पेरेंट्स होंगे। अपने पेरेंट्स से उनकी मैचिंग ज़्यादा अच्छी होगी जो ऑफस्प्रिंग्स या इंडिविजुअल्स बनेंगे। फिर आगे देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली जो है सिमिलर होते हैं ऑफस्प्रिंग, यही रीज़न है कि इनको हम क्लोन्स भी कह सकते हैं, हूबहू होते हैं, इस कारण बस इनको हम जो है क्लोन्स कह सकते हैं। इसी क्रम में और आगे बढ़ें तो हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि कॉमन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यानी इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें बहुतायत पाया जाता है, मैक्सिमम वे पाया जाता है, ज़्यादातर पाया जाता है। और क्योंकि उसमें सोमैटिक बॉडी ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव बॉडी का काम करती है, इसी कारण बस हम इसको एक अलग सा नाम भी देते हैं, क्या, सोमैटिक रिप्रोडक्शन। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम सोमैटिक रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। इसी क्रम में अगर हम देखें तो जो रिप्रोडक्टिव बॉडी बनती है, यानी वह ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्टिव बॉडी की तरह बिहेव करेगा, दैट पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव बॉडी पॉपुलरली नोन एज प्रोपेग्यूल्स, नोन एज प्रोपेग्यूल्स। इसका मतलब यह हुआ कि वह यूनिट जब रिप्रोडक्टिव, कोई भी ऑर्गेनिज्म या पेरेंटल बॉडी जब इस तरह से बिहेव करने लगे कि वह रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो या रिप्रोडक्टिव बॉडी हो, तो उस होल बॉडी को ही हम कह देते हैं क्या, प्रोपेग्यूल्स। और वह प्रोपेग्यूल्स एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन के थ्रू नए ऑफस्प्रिंग्स का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इस तरह से हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ बेसिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो इम्पोर्टेंट्स हैं उसको हमने देखा। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो ध्यान देंगे कि मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो कौन कौन से मेथड हैं जिनके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। देखेंगे बाइनरी फिजन एक मेथड है, बडिंग एक मेथड है, स्पोरोलेशन एक मेथड है, फ्रेगमेंटेशन एक मेथड है, रीजनरेशन एक मेथड है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक मेथड है। इसका मतलब ये हो गया कि जो बाइनरी फिजन और ये सारे मेथड दिए हैं इनके थ्रू ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है, यानी कि इनको जानना जरूरी है
इसी क्रम में हम आगे बढ़ के इसको देखेंगे कि बाइनरी फिजन, बडिंग, स्पोरोलोना, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं और हैं क्या। पहले हम बात करते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में कोई भी ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म की सेल जो होगी, ऑर्गेनिज्म सिंगुलरी होता है, वो डिवाइड होकर के एक से दो भागों में या एक से अधिक भागों में बट जाता है। आगे बढ़ें, बडिंग। बडिंग में बड लाइक स्ट्रक्चर बनती है जो एक्सीडेंटली सेपरेट होकर के पेरेंटल बॉडी से नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म आउट करती है। स्पोरोलोना में स्पोरिलेशन क्या है, स्पोरिलेशन में स्पोर का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि आपने जू स्पोर, ए प्लेनोस्पोर, इस तरह के स्पोर्स के नाम जो है सुने ही होंगे। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन में भी एक्सीडेंटली होता है, कोई भी पार्ट ऑर्गेनिज्म का थोड़ा सा टूट करके मेन पेरेंटल बॉडी से अलग हो जाता है और अलग होने के बाद नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्मेशन करता है, नए ऑर्गेनिज्म को ओरिजिनेट करता है, छोटा सा उसका टुकड़ा पेरेंटल बॉडी का। आगे बढ़ते हैं, रीजनरेशन। कुछ ऑर्गेनिज्म में सेपरेशन के बाद जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें रीजनरेशन की प्रोसेस होती, यानी पुनः से वो नए ऑर्गेनिज्म को बना सकते हैं, ऐसी प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद आ जाता है सबसे लास्ट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जब भी सोमैटिक सेल्स इस तरह से भाग ले या पार्टिसिपेट करे जिसके थ्रू नए ऑर्गेनिज्म फॉर्म आउट हों, तो हम उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। कुल मिलाकर के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव बॉडी ही डायरेक्ट भाग करती है, पार्टिसिपेट करती है रिप्रोडक्शन प्रोसेस में। चलिए, अब इन सब का हम जो मेथड्स देख रहे हैं इनके थ्रू होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसी क्रम में हम देखेंगे कि बाइनरी फिजन में डिटेल में क्या होता है। बाइनरी फिजन में हमने आपको यहाँ लिख रखा है इमोर्टल। इसका मतलब ये हो गया कि यह उन ऑर्गेनिज्म में होता है जिनमें एक से दो भागों में बंटने की कैपेसिटी या ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेसिटी हो, ज़्यादातर सिंगुलर या फिर छोटे ऑर्गेनिज्म में, चाहे मोनेरा हो चाहे प्रोटिस्टा हो उसके ऑर्गेनिज्म में। और इनको मोर्टल कहने का क्या मतलब है, मोर्टल कहने का मतलब होता है कि ये मृतप्राय है, लेकिन कहा गया है इमोर्टल, मतलब यह कभी मरते ही नहीं है। इसका रीज़न ये है कि जब पेरेंट बॉडी बाइनरी फ्यूजन परफॉर्म करती है तो एक बॉडी से सेपरेट होकर के दो बॉडी बन जाती है, तो एक उसमें नया और पुराना दोनों स्ट्रक्चर एक साथ होता है, उन्हीं का डिवीज़न होता है, तो इसमें से कोई भी भाग मरता नहीं है। यही कारण है कि इसको हम जो है बाइनरी फ्यूजन को इमोर्टल भी कह सकते हैं, या इस तरह के ऑर्गेनिज्म जिसमें इस तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाए, बाइनरी फ्यूजन के थ्रू रिप्रोडक्शन पाया जाए, उनको हम इमोर्टल कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बाइनरी फ्यूजन में अगर हम देखें तो पेरेंट जो ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड होकर के दो भागों में बढ़ सकता है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म दो भागों में बढ़ सकता है डिवाइड होकर के, और पूरा होल जो बॉडी होती है वह रिप्रोडक्टिव यूनिट का काम करती है, ऐसा बिहेव करेगी जैसे वो रिप्रोडक्टिव कोई यूनिट हो और रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगी। एग्जाम्पल देखें तो मोनेरा का अमीबा जो कि मोनेरा में आता है, प्रोटिस्टा में आता है पैरामीशियम, इन ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिजन के थ्रू डिविजन्स होते हैं, या हम कह दें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। आगे बढ़ें, बाइनरी फिजन भी तीन तरह का हो सकता है, तीन तरीके से हो सकता है, ऑन बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन, ठीक है, किस प्लेन से कैसे वो डिवाइड हो रहा है, ऑन दैट बेसिस वी कैन डिफरेंशिएट आर सेपरेट आर डिवाइड इट इनटू द फॉलोइंग थ्री टाइप्स। पहले की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्या है, सिंपली या सिंपल बाइनर फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन में जैसा कि हमने एग्जाम्पल रख रखा है अमीबा, बस एक सेल सिंपली दो भागों में बट करके दो सेल्स बना सकती है, उसमें कोई एक्सिस की या पर्टिकुलर प्लेन ऑफ डिवीजन की ज़रूरत नहीं होती, वो कहीं से भी बट सकता है। लेकिन वहीं हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स में, तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स में लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के थ्रू ऑर्गेनिज्म डिवाइड होकर के एक से दो भागों में बटते हैं, जैसा कि आप देखते हैं किसमें, युगलेना में पाया जाता है। इसी क्रम में देखेंगे कि आगे लिखा है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स जो डिवीज़न होता है, ट्रांसवर्स साइड से एक्सिस से
प्लेन ऑफ डिवीजन होगा और इसको हम कहेंगे बैक्टीरिया। इस तरह से बाइनरी फिजन जो होता है उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म एक से दो भागों में बढ़ सकता है या दो से अधिक भागों में भी बढ़ सकता है, लेकिन जो तरीका होगा वो तीन तरह से हो सकता है, सिंपल बाइनरी, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी और ट्रांसवर्स। इस तरह से बाइनरी फिजन एक से दो भागों में बढ़ करके ऑर्गेनिज्म को बर्न आउट करता है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे दूसरा जो हमारा टॉपिक था, क्या बडिंग, बडिंग क्या होता है और किस में पाया जाता है। बडिंग जो होता है ईस्ट और राइजोपस जैसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें होता है। राइजोपस एंड ईस्ट बोथ कैन बी रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ द बडिंग। बडिंग की सहायता से ईस्ट और राइजोपस जैसे ऑर्गेनिज्म अपने रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं। अगर हम बात करें ईस्ट को, तो ईस्ट जो है सिंपल डिवीजन, वो भी अनइक्वली, अनइक्वल डिवीजन होता है, दोनों भाग अलग अलग साइज के होते हैं, एक ही साइज का नहीं होता, इसी नाते अनइक्वली कहा गया है। अनइक्वली डिवाइड करके छोटा सा बड बनाते हैं और उसी बड को हम क्या कहते हैं, प्रोट्यूबरेंस, यानी प्रोट्यूबरेंस जो है एक ऐसा बड है जो कि बडिंग मेथड में फार्म आउट होता है। और यही जो प्रोट्यूबरेंस होता है यही एक्सीडेंटली सेपरेट हो जाएगा और सेपरेट होकर के न्यू ऑर्गेनिज्म को